भारत में सोशल मीडिया यूजर्स का डेटा चोरी होना अब आम बात हो गई है। कभी व्हाट्सएप तो कभी फेसबुक और कभी दूसरे सोशल अकाउंट का डेटा लीक होने की खबरें सामने आती हैं। एक भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेटा के मामले में सेफ नहीं है। फेसबुक और ट्विटर को लेकर अमेरिका में विवाद भी हो चुका है। दोनों कंपनियों पर यूजर्स के डेटा के दुरुपयोग का आरोप लगा था। इस तरह की खबरें भी आए दिन आती रहती हैं, जिनसे पता चलता है कि भारत के यूजर्स का भी डेटा सुरक्षित नहीं है। केंद्र सरकार ने अब इसे लेकर सख्ती दिखाई है, इसलिए आपका डेटा अगर चोरी हुआ तो सोशल मीडिया कंपनियों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दरअसल डेटा लीक को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी चल रही है। गुरुवार को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट राज्यसभा और लोकसभा में पेश की गई थी। यह मामला संसदीय समिति के सामने पहुंचा, जिसने डेटा लीक को रोकने के लिए कई कानूनी प्रावधान करने की सिफारिश की है। इन सिफारिशों में कहा गया है कि सोशल मीडिया कंपनियों ने अगर नियमों का उल्लंघन किया, यानी अगर डेटा लीक हुआ, तो इन पर 15 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाना चाहिए। कंपनी से जुर्माने के तौर पर उसके टर्नओवर का 4% हिस्सा भी लिया जा सकता है। बता दें कि इन प्रावधानों को सरकार कानून में शामिल कर लेती है तो फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, अमेज़न समेत कई कंपनियों को भारत में डेटा को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में 2019 के ही सारे प्रावधान हैं। साथ ही इसे यूरोपीय यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के तहत तैयार किया गया है। इस बिल को 2 साल पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया था। इसके तहत डेटा लीक को लेकर कंपनियों को 72 घंटे के अंदर जानकारी देनी होगी। इस जानकारी के आधार पर डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी लोगों के नुकसान की गंभीरता को ध्यान में रखकर उसका आकलन करेगी और जिनका डेटा लीक हो गया है उनके नुकसान की भरपाई करेगी। बता दें कि भारत में इस कानून और इस प्रावधान को शामिल करने के बाद भारत में जिन लोगों के भी डेटा चोरी होते हैं उनको एक बड़ी राहत मिलेगी और अब सरकार इस पर सख्ती दिखा रही है।